भी कई युवा ऐसे हैं जो लावारिश व्यक्ति के देहांत होने पर उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसा ही एक नेक कार्य बड़वा शहर में माँ प्राणी सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद पगारे एवं अन्नू मराठा सहित युवा कर रहे हैं, जिसके द्वारा विगत कई सालों से शहर में शव वाहन के अभाव पर लावारिश शवों को ठेले एवं नगर पालिका के कचरे वाहन में शमशान घाट छोड़ने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब नेक कार्य स्वर्ग रथ वाहन में किया जाएगा। खरगोन जिले के बड़वा में विगत कई वर्षों से शव वाहन का अभाव बना हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय नगर पालिका परिषद एवं समाज सेवियों ने शहर के ज़रूरतों को देखते हुए शव वाहन की घोषणा की थी, किंतु आज तक कोई पहल नहीं की है। आपको बता दें, माँ प्राणी सेवा समिति के जागरूक युवा अरविंद पगारे और अन्नू मराठा ने जन सहयोग से एक पुराने वाहन को खरीद कर शव वाहन की तर्ज पर उसका निर्माण करवा दिया है। साथ ही उस वाहन को स्वर्ग रथ का नाम देकर आम जनता की जरूरत पर वाहन पहुंचाने की बात अरविंद पगारे ने कही है। इस शव वाहन का शनिवार को गोपाल मंदिर के गादीपति श्री हनुमान दास जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर वाहन को जनता की सेवा के लिए शुरू किया है। उक्त वाहन की जरूरत होने पर केवल समिति सदस्यों को सूचना मिलने पर ही घर पहुंचाया जाएगा। रथ जो बनाया गया ये सभी धर्मों के लिए है। किसी भी समाज में किसी की भी मृत्यु अगर हो जाती है और उसे ये रथ की आवश्यकता है तो समिति द्वारा ये रथ उपलब्ध कराया जाएगा। घर से लेकर मुक्ति धाम तक इस शव वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें शुल्क भी रखा गया और गरीब परिवारों के लिए निशुल्क व्यवस्था भी है, इसमें समिति द्वारा की गई है। बड़वा से विकास पवार की रिपोर्ट।